well, पालीहिल का बचपन एग्जैक्टली वो एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि मेरी नानी का घर होता था और मैं असल में पैंड्रा पुलिस स्टेशन हिल रोड के आसपास रहता था, पर इमरान जो मेरी नानी का घर है वो वहाँ रहते थे और हम मेरी माँ मुझे हर शाम को वहाँ लेके जाती थी। समर वेकेशन में हम लोग वहाँ ही रहते थे क्योंकि उस घर में एक एसी होता था और उस वक्त इतने एसी घर में होते नहीं थे। सो हम लोग को यार, मैं, इमरान, विशाल मार्कर जो ब्लडमनी के डायरेक्टर है, राहुल भट्ट जो भट साहब के बेटे हैं, वी ऑल यूज टू लिव एक वन टू बिल्डिंग्स अवे फ्रॉम ईच अदर। और ये एक अनसेट सो कॉल होता था कि जब बारिश शुरू होती थी तो किस उस वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, फ़ोन कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती थी, एक अनसेट रूल था कि सब नीचे उतर जाते थे और साथ में बारिश में फिर कैरिया तोड़ते थे बिकॉज that was the last moment for the carry जब तक आम बन जाते हैं। आई थिंक दैट वॉज जस्ट अ चाइल्डहुड दैट वी डिड। और हालांकि उस नेबर्स उस मोहल्ले में लोगों के लिए हम लोग इतने अच्छे थे नहीं, हम लोग सब हर चीज़ हर प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दी। साथ जो तीन छः सात बच्चे जो साथ में हम लोग बड़े हो रहे थे, बट दैट वॉज द बेस्ट फेज आई वुड कॉल ऑफ माई लाइफ। इट वॉज द मोस्ट इनोवेटिव मोस्ट सब सीखने में आई थिंक वॉज मैक्सिम दैट एज। ये एक्चुअली हमारी फैमिली हार्डली फिल्मी है क्योंकि ऐसे कुछ थे नहीं कि हमें कुछ पिक्चरें दिखाई जाती थी। एक एक पिक्चर जो हम लोग भट्ट साहब की पिक्चरें उनकी ट्रायल होती थी वो भी अजंता आर्ट्स में होती थी जो इमरान के घर के ऑपोजिट ही है, जो सुनील दत्त साहब के बंगले में होती थी। और इसलिए भी कि हम एक ऑडियंस के लेवल पे हम रिएक्शन देते थे, नॉट एज एनीथिंग एल्स, नॉट के इस क्या हम लोग हमको कभी ये कलेक्शन मार्केट। इनफैक्ट जब मैं और इमरान सेट पर आए, मुझे सेट पे कैमरा और ट्रॉली का भी कुछ अंदाज़ा था नहीं। वहाँ पर एक फिल्म फैमिली का लेवल ये था कि वी वर नेवर, ऑल्दो वी वर इनकरेज टू बी आर्टिस्टिक समथिंग लाइक, वी वर नेवर, हम लोग को कभी ये नहीं था कि कलेक्शन या बिजनेस के मामले में हम लोग को कभी इन्वॉल्व किया गया था। शायद क्योंकि वी वर मोर आर्टिस्ट इन आवर फैमिली रादर देन बिजनेस मैन। आई थिंक मुकेश जी एक आदमी जो बेचारे हैज बीन पुश्ड इनटू द बिजनेस साइड ऑफ दिस थिंग, ऑल्दो बीइंग खुद एक फिल्म मेकर के बेटे हैं, बट ही फोर्सफुली चोज द बिजनेस ऑफ फिल्म्स। इसके सिवाय फॉर मुकेश जी ने कभी हमें ये फोर्स नहीं किया कि हम उस सेक्शन में जाए। हम सब जो क्रिएटिवली इंक्लाइंड थे वी ओनली केप्ट इट टू द आर्टिस्टिक साइड। तो फिर बट फिर भी हम लोग फिल्मों में इतना ऐसा कुछ नहीं था कि सेट पर हम लोग की बचपन था या ऐसा कुछ। हम लोग वी वेंट टू स्कूल लाइक रेगुलर चिल्ड्रन। हाँ, कोई स्कूल में वो मेंशन करते थे कि हाँ तुम्हारे अंकल थे, क्योंकि हमारे एज ग्रुप में एक स्टार एक ही था बचपन में जो था महेश भट्ट साहब, और हमने मेंशन किया कि आप उनके नेव्यू हो या आप। फिर आई पूजा जब वॉज दैट कजन ऑफ अस हु यूज्ड टू बी द मोस्ट फन। जब भी कुछ गलत करना था और किसी से बचना तो पूजा से आके पूछते कैसे करें, कैसे निकले मेरे से, एंड शी वॉज द मोस्ट इनकरेजिंग, मोस्ट ब्रेवेस्ट, द ब्रेवेस्ट पर्सन आई हैव मेट। तो पूजा जब हीरोइन बनी, आई थिंक शी वॉज ओवर नाइट द नेक्स्ट बिग थिंग। एंड आई रिमेंबर हम लोग ड्राइव्स पर जाते थे, उसकी पहली पिक्चर निकली थी एंड हाउ पूजा इज टू गेट अटेंशन, दैट वॉज अनदर फेज। आई थिंक दैट्स द फर्स्ट टाइम कि मुझे लगा कि एक द ग्लैमर साइड ऑफ द इंडस्ट्री वी सॉ एट दैट टाइम। पर फिर भी एजुकेशन में हम लोग गए, मैं इमरान खुद वी वर स्टडिंग सेपरेटली एट दैट टाइम। मुझे याद आया कि जब आई थिंक when I got into films was जब मेरा एक मैं अब्रॉड जाने वाला था पढ़ाई करने को, when that didn't work out, तो मुकेश ने कहा था कि अब तुम ऑफिस आ जाओ। तो मैं जब ऑफिस जा रहा था तो इमरान ने बोला तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला मैं ऑफिस जा रहा हूँ मुकेश जी को मिलने और भट्ट साहब को मिलने। तो इमरान मैं भी आता हूँ, तो हम दोनों ऐसे ही दो लुखे ऑफिस चले गए सिर्फ क्योंकि हम लोग समर वेकेशन में हमें कुछ था नहीं करने को। और हम लोग मैं 16 या 17 साल का था और वो कुछ 18-19 साल का था। वी बोथ वेंट टू द ऑफिस विद नो मोटिव टू बिकम एनीथिंग। एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं एक्चुअली किताबों में काफ़ी अच्छा हूँ। मैं एक साइंस स्टूडेंट था और मैं जय हिंद कॉलेज में था जो कि एक काफ़ी बड़ा कॉलेज है, एंड आई वाज स्टडिंग बायोलॉजी एंड हिंदी टिल द 12th स्टैंडर्ड। पर फिर उसके बाद जब मैं अमेरिका जा रहा था टू स्टडी एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बट व्हेन दैट डिडंट वर्क आउट बिकॉज ऑफ अनदर फैमिली प्रॉब्लम और व्हाटएवर, मैं आई डिसाइडेड टू वर्क विद माई अंकल जो मुकेश जी है, उनके साथ मैंने कहा मैं कुछ काम कर रहा था, पैसे कमाने थे मुझे बस, ये नहीं कि फिल्मों में जाना था। एंड तो वो छोड़ के मेरे साथ कुछ सिंपलर सा कोर्स करते हैं क्योंकि
ऑल द वे टाउन ट्रैवल करना और उसके बाद ऑफिस जो जुहू में था वहाँ तक आना बहुत मुश्किल होगा, तो एक सिंपल कोर्स कर देते। तो एक एंट्रेंस एग्जाम दे के मैंने BMS वो बैचलर मैनेजमेंट का एक एंट्रेंस एग्जाम दे दिया और MMK कॉलेज बैंड्रा में बिजनेस मैनेजमेंट करना सीखा। तो एक बार जब वो सीखा तो मुझे पता लगा कि ये कॉलेज में ये तो पोस्ट अटेंडेंस का है, प्रोजेक्ट्स का है। तो वो तीन साल मुझे जितनी मेहनत मेरी लाइफ में नहीं करनी पड़ी वो 3 साल में करनी पड़ी, क्योंकि मेरे फादर का एक ही रिक्वेस्ट था कि अगर मैं फिल्मों में जा रहा तो मैं जो एटलीस्ट एक ग्रेजुएट बनना चाहिए। और वो 3 साल चलते गए, मेरे फादर की रिक्वेस्ट थी कि मैं एटलीस्ट एक ग्रेजुएट बन जाऊँ। सो आई थिंक वो 3 साल बहुत ही मुश्किल थे। आई कैन प्राउडली से कि मैं एक आदमी हूँ जो जिन्होंने साइंस करके बिजनेस मैनेजमेंट करके अब फिल्में बना रहा हूँ। सो इट्स जस्ट कम्प्लीटली बिजार फॉर मी। एक्चुअली मैं मेरा पहला काम था ऑफिस में टू बी ऑनेस्ट टी सीरीज से जाके कैसेट पिकअप करके यहाँ पर लेके ऑफिस लेके आना मेरा पहला काम ये था एज अ ऑफिस बॉय एक्चुअली। बट जब ये विक्रम जब ऑफिस आया था और मुकेश जी ने कहा था कि विक्रम आई वॉन्ट यू टू टेक हिम एज एन असिस्टेंट, तब मुझे लगा था कि असिस्टेंट का जॉब शायद सिर्फ एक ऑफिस में बैठना नहीं होता, थोड़ा बाहर होगा तो बेटर होगा और थोड़े और पैसे मिल जाएंगे। तो मैं आई बिकेम एन असिस्टेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मोर मनी एंड गोइंग आउटसाइड द ऑफिस और सिर्फ ऑफिस में नहीं बैठने के लिए। बट आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन असिस्टेंट जो कसूर में मेरी पहली पिक्चर कसूर थी, याद है एक दिन फिल्मिस्तान स्टूडियो से हम मैं और इमरान वापस आ रहे थे और उस दिन ट्रेन में अंदर ने एक दूसरे को ये बताया कि इमरान ने कहा था कि मुझे डायरेक्टर नहीं बनना है भाई, मुझे बहुत मुश्किल काम है, मुझे लगता है मैं एक्टर बन जाता हूँ। और उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि हाँ मुझे लगता है मैं जो डायरेक्टर ही बनना है। तो आई थिंक दैट डे हम दोनों ने एक डिसीजन बना लिया एंड आई थिंक दैट्स हाउ आई असिस्टेड देन ऑन अदर फिल्म्स एंड उसके बाद आई स्टार्ट टेकिंग इट मोर सीरियसली। और मैंने मेरी लास्ट पिक्चर आई थिंक फुटपाथ एतबार थी कि उसके बाद मैंने कहा था कि 8 पिक्चर असिस्ट करने के बाद अभी नाउ आई थिंक आई नीड टू डू समथिंग न्यू। बिल्कुल एक्चुअली हालांकि मैंने उसके पहले विक्रम के लिए थोड़ी बहुत शूटिंग की थी, अनुराग के लिए थोड़ी बहुत शूटिंग की थी और वो मुझे इनफैक्ट उस दौरान में थोड़ा बहुत डर भी गया था कि किसी और की शूटिंग कर रहा हूँ, किसी और के लिए कर रहा हूँ। याद है मैं गोवा में ब्रिटोना होटल में अपनी पहले दिन की शूटिंग कर रहा था। मुझे याद है मेरी मासी जो है वो हमारा प्रोडक्शन संभालती है, उनको कहा था कि मासी आई एम नॉट फीलिंग नर्वस, इज देयर समथिंग रॉन्ग, आई एम एक्चुअली फीलिंग वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दैट्स गुड ना, यही अच्छा है, मे बी दिस इज व्हाट यू ऑलवेज वांटेड टू डू। और आई थिंक आफ्टर दैट इट्स बीन मोर देन फन विद एवरी डे ऑफ द सेट। एवरी डे वो डर तो रहता ही है बट इट्स मोर एन एक्साइटमेंट कि आज कैसे करूँगा, कुछ बेटर कैसे करूँगा। And it's only been uphill after. Actually, मुझे याद है एक इंटरव्यू चल रहा था जहर की रिलीज के पहले और किसी ने मुझे पूछा था कि अगर ये पिक्चर अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, अगर ये पिक्चर चली नहीं तो क्या होगा। और उस वक्त आई थिंक वो दैट इनोसेंस वाज सो ग्रेट, वो मासूमियत उस वक्त जो थी वो मुझे लगा जब लोगों ने मुझे पूछा था, मैंने कभी वो ऑप्शन दिया नहीं था अपने आप, मुझे लगा तो पिक्चर तो अच्छी बन गई तो ये तो चलेगी। और आई थिंक वो इट वॉज ऑल्सो द एज, मैं 20 या 22 साल का था, वो 22 साल का था। सो मैंने अपने आप को ऑप्शन दे दी कि पिक्चर फेल होगी एंड और पिक्चर चल भी गई। सो आई रिमेंबर जब रिलीज, जब एक रात पहले डरा हुआ था बट नेक्स्ट डे इतना भी नहीं कि मुझे पता नहीं, टिल आई डिडंट रियलाइज कि वो पिक्चर चली थी, उसके बाद कलयुग भी चली थी। पर आई थिंक तब तक मुझे एक फ्लॉप का एहसास नहीं हुआ था जब तक वो लम्हे नहीं आई थी। हालांकि वो पिक्चर बहुत पसंद आई थी लोगों को ट्रायल्स में। तो मुझे याद है जब मैं नागपुर गया था प्रमोशन के लिए उस पिक्चर का, एंड मैं कुछ 23 या 24 साल का था और 2 हिट बैक टू बैक न्यू कमर्स के साथ एक ही साल में, आई वॉज रनिंग हाई एंड आई कुडंट फील एनीथिंग। इससे मुझे तो सब आता है, वो एक फीलिंग इस यंग उम्र में हो गई थी। और जब एक अच्छी पिक्चर अप्रिशिएटेड, लोग उसकी परफॉर्मेंसेज के लेवल की बात कर रहे थे और मैं ऑडियंस में जाके देखा और मैंने कैसे 9 लोग ऑडियंस में थे, तब मुझे एक फ्लॉप का पहली बार एहसास हुआ। इट वॉज आई रिमेंबर मैं उस वक्त मुझे पता नहीं था व्हाट आई वाज फीलिंग, बट सर ने कहा नाउ यू आर ह्यूमन क्योंकि तुमने तुमने एक फ्लॉप भी देखी, नाउ यू आर अ फिल्म मेकर। वेल इज माई फ्रेंड, आई मोर देन जस्ट बीइंग अ कजन, आई थिंक वो रिलेशनशिप कभी निभाने पड़ते हैं, एक खानदानी रिलेशन निभाने पड़ते हैं। विद हिम आई डोंट हैव दैट ऑब्लिगेशन, ही इज मोर अ फ्रेंड रादर देन बीइंग अ कजन और अ ब्रदर और समथिंग। ये एक रिलेशन है जो मुझे निभाना नहीं पड़ता, ये नहीं कि हमें रोज़ एक दूसरे को फ़ोन करना पड़ता है या फिर
एक दूसरे के लिए कुछ करना पड़ता है या वो वी नीड टू बी इन टच. आई थिंक बचपन से वी बीन टुगेदर एंड वी बीन ब्रॉट अप टुगेदर. हिज माय मदर ऑलमोस्ट आई मीन मदर माय मदर ही वाज हिज हर फर्स्ट सन. सो आई थिंक माय सिस्टर टिल टुडे मेरा परमानेंट एड्रेस उनके घर के एड्रेस पे जुड़ा हुआ है. सो आई कांट दैट्स अ बॉन्ड यू कांट ब्रेक. एंड इट गोज बियॉन्ड फिल्म्स, इट गोज बियॉन्ड ऑल दिस. इट्स नॉट I know no matter where he knows and I know okay, no matter who he does films with, I always want the best for him. And he knows that, he wishes the same for me, I'm sure for that. Mahesh Bhatt ka kitna bada influence aapki life pe raha? Kaise define karega? You can't define a father's role in a man's life. Jo unhone mujhe ek father level pe mujhe help me find my own self and logon ka, I mean, kehna kya hai ki how does he help in a film? I don't think इट्स नॉट अ हेल्प इन, वो एक पिक्चर में कभी मदद नहीं करते. ही हेल्प्स यू इन डेवलपिंग द पर्सन दैट यू आर. भट्ट साहब से अगर कुछ सीखना है तो वो फिल्म के दौरान नहीं होता, वो फिल्म के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होती है उसमें जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, दैट मेक हेल्प्स यू मेक अ ग्रेट फिल्म. सो आई थिंक आई कॉन्ट टेक अवे द कॉन्ट्रीब्यूशन जो उन्होंने मेरी जिंदगी पर किया है. फॉर मी ही आई एम अर्जुन, ही इज माई कृष्णा, हु इज लाइक इन एक्चुअली हुज फादर्ड मी एंड टोल्ड मी हेल्प मी डू व्हाट इट वांट्स. He told me to be wrong, he told me to be right, but he's taught me how to be a man. Smiley ke saath bachpan kaisa tha aapka? Smiley ke saath to bachpan hi chal raha hai. I think Smiley is someone who makes you realize. Usne jo, she someone jo abhi thi, abhi tak itni innocent hai. She lives in a fairy tale, and I think that is most important for someone. It's very important for people like us. Ke, कहीं ना कहीं जिंदगी में जो एक अच्छाई का एक फेज होता है वो एक रिप्रेजेंट करती है. सो आई थिंक जब भी मुझे ये सब मैडनेस और ये केओस और कमोशन से बाहर भाग कर किसी को मिलना है तो स्माइली इज़ द बेस्ट पर्सन टू मीट. क्योंकि उसके लिए दुनिया इज लाइक अ डांस क्लास एंड इट्स गुड फन एंड वी ऑल एंजॉय एंड वी डांस एंड दिस म्यूजिक और लोग हंस रहे हैं, लोग गा रहे हैं एंड वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. लकी मैस्केट आप मानते हैं स्माइली को? ऑलवेज. वो कब से शुरू हुआ? पहली पिक्चर से एक्चुअली. शी वो मेरी पहली पिक्चर में वो एक एक असिस्टेंट थी. तो उसके बाद फिर सेकेंड पिक्चर में उसने एक्टिंग की थी. दो पिक्चरें सब कंटिन्यूसली चली थी तो मुझे लगा इस दोनों में कॉमन क्या था. इमरान हाशमी भी था एक्चुअली, पर मैंने स्माइली की तरफ ही देखा. एक्चुअली स्माइली चिल्ला भी रही थी. तो आई थिंक उसके बाद हर पिक्चर में थोड़ा चाहे उसकी वॉइस यूज़ कर लूँ या एक हैंड का शॉट यूज़ कर लूँ, पर एक शॉट जैसे मुझे तो इस पिक्चर में इनफैक्ट मेरी आने वाली पिक्चर आशिकी में उनको जो एक लेआउट है जो कोर्ट के पीछे, वो फर्स्ट लेआउट मैंने स्माइली का ही यूज़ किया. स्माइली को ही यूज़ किया वो लेआउट में. वो कुछ डैड मॉम के बारे में बताएंगे क्या करते थे और फिर कितनी सीख मिली आपको उनसे? मेरे फादर से, डैड मॉम. माई मदर आई थिंक आई कांट रियली टॉक अबाउट मच, क्योंकि मेरी माँ 8 साल की उम्र में जब मैं था वो गुजर गई थी. तो अगर मुझे कहा कि अगर मुझे कुछ याद करना है तो मुझे ज़्यादा याद नहीं है. थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ उनके बारे में यह थ्रू भट्ट साहब एंड मुकेश जी एंड सफला. बट अगर आपने मेरे फादर के बारे में पूछा तो आई कैन गिव एन अकाउंट फॉर एवरी डे दैट आई स्पेंड विद हिम. माई फादर हार्डली, मेरे फादर ने मुझे वो सब नहीं दी जो एक फादर एक बच्चे को देता है, विच इज़ प्रोटेक्शन या लाइक सो कॉल्ड यू नो फादरली काइंड ऑफ थिंग्स. बट एक अंदाजा दिया मुझे लाइफ में. ही ब्रॉट बी एज देर वर टू वेज. अब उन्होंने सोचा कि आफ्टर माई मदर पास्ट अवे कि इसको एक बच्चे की तरह बड़ा करूँ या एक दोस्त की तरह. तो आई थिंक बिकॉज माई सिस्टर ग्रो अप विद माई नानी, तो आई थिंक वो एक डिसीजन उनका जो था कि एक दोस्त की तरह इसको बड़ा करूँ, आज मुझे एक इंडिपेंडेंट आदमी बनाता है. कि वो ही वॉज इज बेस्ट फ्रेंड व्हेन आई लॉस्ट हिम लास्ट ईयर. I didn't only lose my father, I lost my best friend because he was someone who was there always by my side when I was doing something right or wrong or anything. So, he is someone who I can tell you, never told me this is the right way to do it, never told me aisa mat karo ya ye karo. But hamesha ye kaha ki jo bhi tum karoge iska consequence hoga. Are you ready for that consequence? And that has been my decision making throughout the life.